हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आप भी एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं और सर्च कर करके कंफ्यूज हैं या मार्केट में विजिट करके थक चुके हैं कि कौन सी वॉशिंग मशीन आपके लिए बेस्ट है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ कंपनी कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज करती है आपको वॉशिंग मशीन सेल करने के लिए। आप ऑफलाइन जाएंगे तो आपको सेल्समैन दूसरी वॉशिंग मशीन बेटर बता के आपको सेल करने की कोशिश करेगा डेड स्टॉक, और वहीं आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको वॉबल टेक्नोलॉजी, सेंटर जेट पल्सेटर टेक्नोलॉजी, रोलर जेट टेक्नोलॉजी, इको बबल, वॉबल, ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताकर आपको गुमराह करके वॉशिंग मशीन सेल करने की कोशिश की जाती है। तो क्या एक वॉशिंग मशीन का सच में प्राइमरी काम कपड़ों को धोना नहीं है, या ये फीचर्स उसमें चार चांद लगा देते हैं? तो ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज से बचने के लिए दोस्तों मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं एक टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले। इस वॉशिंग मशीन की वीडियो से पहले मैंने दोस्तों बेस्ट वॉशिंग मशीन की बाइंग गाइड का वीडियो भी बनाया था, और जहां पे मैंने बताया था कि एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन और एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है और कितनी इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट होती है, कितनी वाटर एफिशिएंट होती है। तो उन सभी सवालों के जवाब आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसी वीडियो के बिहाफ पे दोस्तों मैंने यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जान लेने चाहिए एक वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले। तो वीडियो को देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शॉपिंग बाजार। अब यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स है दोस्तों जो आपको ध्यान से सुनने हैं, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों कैपेसिटी। अगर आप बैचलर हैं या कपल है तो आप एक 6 kg की वॉशिंग मशीन कंसीडर कर सकते हैं। वहीं आपकी फैमिली में 3 से 4 मेंबर है तो आप एक 7 kg की वॉशिंग मशीन कंसीडर कर सकते हैं, और वहीं आपकी फैमिली में 4 से 6 मेंबर है तो आप एक 8 kg की वॉशिंग मशीन कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों RPM, यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट। एक वॉशिंग मशीन का ड्रम 1 मिनट में कितने टाइम रोटेट करता है उसे हम RPM बोलते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा RPM होगा उतनी ज्यादा बेटर आपको वॉश क्वालिटी मिलेगी। थर्ड पॉइंट है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, की एक वॉशिंग मशीन पर साइकिल कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, तो आपको ये पॉइंट भी जरूर चेक कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ टॉप लोड वॉशिंग मशीन वाटर एफिशिएंट होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि आप उसे फ्रंट लोड से कंपेयर कर सके, क्योंकि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन वाटर एफिशिएंट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट एज कम्पेयर टू टॉप लोड ज़्यादा होती है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों ड्रम मटेरियल। जितनी भी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है, चाहे वो टॉप लोड हो या फ्रंट लोड हो, उनमें आपको स्टेनलेस स्टील ड्रम देखने को मिलता है। और वहीं हम बात करें सेमी ऑटोमेटिक की, तो उसमें आपको ऑफकोर्स ही बात है प्लास्टिक ड्रम देखने को मिलता है। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों बिल्ट इन हीटर। ये फीचर क्या करता है कि आपके कपड़ों को जर्म्स और एंटी एलर्जन फ्री रखता है, ताकि आपके कपड़ों की वॉश क्वालिटी भी अच्छे से हो पाए और वो एलर्जन फ्री रह पाए। अगर आपका काम हॉस्पिटल में है, या आप नर्स हैं या आप डॉक्टर हैं, तो ऐसे में ये फीचर आपके लिए यूजफुल हो सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी। क्योंकि हम वॉशिंग मशीन को ज्यादातर पानी में यूज करते हैं और लॉन्गर टाइम के लिए यूज करते हैं, तो ऐसे में उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और टॉप लोड वॉशिंग मशीन दोस्तों प्लास्टिक बॉडी के साथ आती है, जिसे आप पानी में भी यूज करेंगे तो उसमें रस्टिंग के कोई चांसेस नहीं है, ना ही उसके गलने के चांसेस है। सेवन्थ पॉइंट है दोस्तों इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाली वॉशिंग मशीन। हाँ जी, इसका तो ये नहीं कि आपकी अपनी वॉशिंग मशीन को बिना इन्वर्टर के चला सकते हैं या इन्वर्टर पे चला सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर इन्वर्टर वाली वॉशिंग मशीन है तो वो अपनी स्पीड को एडजस्ट करके आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव करने में हेल्प करेगी, और कपड़ों का जो लोड है उसे सेंस करके वो अपनी स्पीड एडजस्ट कर लेगी। और जो नॉन इन्वर्टर वाली वॉशिंग मशीन होती है वो सिंगल स्पीड सेटिंग पे काम करती है, वो अपनी स्पीड को एडजस्ट नहीं कर पाती, तो ऐसे में उसका इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इस लिस्ट में मैंने जितनी भी वॉशिंग मशीन कंसिडर करी है वो सारी की सारी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाली वॉशिंग मशीन है। एट तो लास्ट पॉइंट है दोस्तों वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस। वारंटी की बात करूँ तो 2 ईयर्स की वारंटी आपको वॉशिंग मशीन पे मिलती है, और वहीं 10 to 12 ईयर की वारंटी आपको उसकी मोटर पे देखने को मिलती है। बात करूँ आफ्टर सेल सर्विस की, तो वॉशिंग मशीन को हम लॉन्गर टाइम के लिए यूज करते हैं। हम इंडियन हाउस होल्ड में तो उसकी जान निकाल देते हैं 5-5 साल 7-7 साल उसको रगड़ के, तो ऐसे में उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इन फ्यूचर चाहे आप वॉशिंग मशीन खरीदें या कोई सा भी अप्लायंसेस खरीदें, उसका नियर बाय सर्विस सेंटर जरूर पता करें। तो दोस्तों ये वो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन बाय करने से पहले जान लेने चाहिए थे, और अब जान भी चुके हैं। नाउ अब हम बात करते हैं मेरी रिकमेंडेशन की 5 सबसे बेस्ट वॉशिंग मशीन की, जो कि सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर नंबर 1 पे हमारी तरफ से आती दोस्तों गोदरेज की 6 kg 5-star फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन। बात करें फीचर्स की तो 5-star मॉडल है दोस्तों, एनर्जी एफिशिएंट है, साथ ही साथ इसमें आपको 6 kg की कैपेसिटी मिलती है, मतलब अगर आप बैचलर हैं कपल हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। बात करूं रोटेशन पर मिनट की तो 700 स्पिन आपको इसमें मिल जाता है। इसमें आपको ऑटो बैलेंस सिस्टम भी मिल जाता है जो कपड़ों के लोड को डिटेक्ट करके अच्छे से वॉश क्वालिटी करता है। साथ ही साथ इसमें आपको स्पेशल एक्यू वॉश ड्रम मिल जाता है
टर्बो 6 पल्सेटर मिल जाता है और कस्टमाइज कंट्रोल पैनल देखने को मिलता है। इसमें आपको 9 वॉश प्रोग्राम मिल जाते हैं। बात करें ड्रम मटेरियल की तो वही स्टेनलेस स्टील ड्रम आपको इसमें मिलता है। बात करें नॉइस लेवल की तो 65 dB के नॉइस लेवल है इसमें जब वॉशिंग करते हैं, और वहीं स्पिनिंग के टाइम पे भी इसके नॉइस लेवल 65 dB है। बात करें वारंटी की तो 2 ईयर्स की वारंटी आपको वॉशिंग मशीन पे मिलती है और 10 ईयर की वारंटी आपको मोटर पे देखने को मिलती है। बात करें प्राइस की दोस्तों तो 13,790 रुपए इस वॉशिंग मशीन का प्राइस है दोस्तों आज की डेट में। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। प्रोस की बात करूं तो जो इसका इंटरफेस है यूज करने का वो काफी फ्रेंडली है, आपको ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है इसके बटनों के साथ। और साथ ही साथ बात करें इसकी वॉश क्वालिटी की तो वो भी काफी अच्छी है। और कॉन की बात करूं तो जैसा मैंने बताया था कि 65 dB के नॉइस लेवल आपको इस वॉशिंग मशीन में मिलते हैं जब ये स्पिनिंग करती है, ऐसा नहीं है। इस वॉशिंग मशीन में आपको 70 dB के नॉइस लेवल देखने को मिलते हैं स्पिनिंग के टाइम पे। अगर ये आपके लिए कॉन नहीं है तो इस वॉशिंग मशीन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नंबर सेकंड पे हमारी तरफ से आती दोस्तों सैमसंग की 5-star 7 kg फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन। ये वॉशिंग मशीन दोस्तों डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आती है, यानी आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव करने में काफी हेल्प करेगी। 7 kg की कैपेसिटी के साथ आती है, मतलब सूटेबल 3-4 फैमिली मेंबर्स के लिए। ये भी 5-star रेटिंग के साथ आती है, मतलब एनर्जी एफिशिएंट मॉडल है। बात करें आरपीएम की तो 680 आरपीएम आपको इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है। बात करें स्पेशल फीचर्स की तो इसमें आपको वॉबल पल्सेटर, मैजिक फिल्टर, इको टब क्लीन और 6 वॉश प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। बात करें ड्रम मटेरियल की तो स्टेनलेस स्टील डायमंड ड्रम आपको इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है। और बात करें नॉइस लेवल की, वॉशिंग के टाइम पे 50 dB है और वही नॉइस लेवल स्पिनिंग के टाइम पे 59 dB है। बात करें वारंटी की तो 3 ईयर्स की वारंटी आपको वॉशिंग मशीन पे मिलती है और वही 12 ईयर्स की वारंटी आपको इसकी मोटर पे देखने को मिलती है। बात करें प्राइस की तो 18,490 रुपए इस वॉशिंग मशीन का प्राइस है दोस्तों आज की डेट में। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। प्रोस की बात करूं दोस्तों तो इसमें आपको डुअल इन्वर्टर मोटर मिल जाती है जो कि इस वॉशिंग मशीन को पावरफुल के साथ साथ साइलेंट भी बनाती है। वॉश क्वालिटी की बात करूं तो काफी अच्छी है। और बात करें कौन की तो अगर आपके घर में लो वाटर की प्रॉब्लम है या आपके घर का जो वाटर प्रेशर है वो थोड़ा सा कम है तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर आपके लिए कौन नहीं है तो इस वॉशिंग मशीन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नंबर 3rd पे हमारी तरफ से आती है दोस्तों LG की 7 kg 5-star फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन। इस वॉशिंग मशीन में आपको स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जो कि इस वॉशिंग मशीन को पावर एफिशिएंट बनाती है। ये भी 7 kg की कैपेसिटी के साथ आती है, मतलब 3-4 फैमिली मेंबर्स के लिए सूटेबल है। ये भी 5-star मॉडल है तो एनर्जी एफिशिएंट है। बात करें रोटेशन पर मिनट की तो 700 RPM आपको इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है। बात करें स्पेशल फीचर की तो फूजी लॉजिक, टब क्लीन, स्मार्ट क्लीनिंग, चाइल्ड लॉक, स्मार्ट डायग्नोसिस, डिजिटल डिस्प्ले और 8 वॉश प्रोग्राम आपको इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिलते हैं, साथ के साथ ऑटो रिस्टार्ट फीचर के। ऑटो रिस्टार्ट फीचर क्या करता है, जैसे कि अगर मान के चलिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई और आपका जो कपड़ों का साइकिल है वो बीच में रुक गया तो ऐसे में जैसे ही लाइट आएगी वो वॉशिंग मशीन वहीं से रिज्यूम हो जाएगी। बात करें ड्रम मटेरियल की तो स्टेनलेस स्टील ड्रम आपको इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है। बात करें नॉइस लेवल की तो वॉशिंग के टाइम पे 50 dB है और वहीं स्पिनिंग के टाइम पे 58 dB है। बात करें वारंटी की तो 2 ईयर्स की वारंटी आपको वॉशिंग मशीन पे मिलती है और वहीं 10 ईयर्स की वारंटी आपको मोटर पे देखने को मिलती है। बात करें प्राइस की दोस्तों तो 18,490 रुपए इस वॉशिंग मशीन का प्राइस है आज की डेट में। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। प्रोस की बात करूं दोस्तों तो सिंपल यूज है, इसमें बटन भी है काफी कम है तो इसकी वजह से इसका यूज करना काफी आसान हो जाता है और इसकी वॉश क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और कॉन की बात करूं दोस्तों तो इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको सॉफ्ट क्लोज लिड नहीं मिलता है। अगर आपके लिए कॉन नहीं है तो इस वॉशिंग मशीन के लिंक्स भी आपको पता ही है कहां मिलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब 4th नंबर पे हमारी तरफ से आती है दोस्तों वर्लपूल की 7.5 kg 5-star फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन। 7.5 kg कैपेसिटी के साथ आती है, मतलब 3-4 फैमिली मेंबर्स के लिए सूटेबल है। इसके अंदर भी आपको 40 RPM का स्पिन में देखने को मिलता है। बात करें इसके अंदर स्पेशल फीचर की तो इसके अंदर आपको इनबिल्ट हीटेड टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जो कि आपको 3 डिफरेंट लेवल पे पानी प्रोवाइड करती है अलग अलग टेम्परेचर पे। साथ ही साथ इसमें आपको LED डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है विद सॉफ्ट क्लोजिंग लिड। बात करें ड्रम मटेरियल की तो वही स्टेनलेस स्टील ड्रम आपको इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है। 12 वॉश प्रोग्राम विद ऑटो टब क्लीन फीचर देखने को मिलता है। बात करें नॉइस लेवल की तो वही स्पिनिंग के टाइम पे इसके नॉइस लेवल 72 dB है और वही वॉशिंग के टाइम पे इसके नॉइस लेवल 63 dB। बात करें वारंटी की तो वही 2 ईयर्स की वारंटी आपको वॉशिंग मशीन पे मिलती है और 10 ईयर्स की वारंटी आपको इसकी मोटर पे देखने को मिलती है। बात करें प्राइस की तो 22,199 रुपए इस वॉशिंग मशीन का प्राइस है दोस्तों आज की डेट में। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। प्रोस की बात करूं दोस्तों तो इसकी बिल्ड क्वालिटी और वॉश क्वालिटी काफी अच्छी है जो कि इसके अंदर आपको बिल्ट इन हीटर का फीचर मिलता है जो कि आपके कपड़ों की वॉश क्वालिटी और इनहेंस कर देता है। और कॉन की बात करूं तो कहीं ना कहीं इसके जो नॉइस लेवल है स्पिनिंग के टाइम पे 72 dB वो मुझे थोड़े से ज्यादा लगते हैं। अगर आपके लिए कॉन नहीं है
तो इस वॉशिंग मशीन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं फिफ्थ और लास्ट नंबर की वॉशिंग मशीन की तरफ। फिफ्थ नंबर पे हमारी तरफ से आती है दोस्तों पैनासोनिक की इकोनावी 8 kg 5-star फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन। डिजाइन दोस्तों इस वॉशिंग मशीन का काफी प्रीमियम है, ब्लैक कलर में काफी अच्छी लगती है। बात करें कैपेसिटी की तो ये भी 8 kg की कैपेसिटी के साथ आती है, मतलब सूटेबल है लार्ज फैमिली के लिए। इसके अंदर आपको 702 यानी 702 RPM का स्पिन देखने को मिलता है। इसके अंदर भी आपको बिल्ट इन हीटर मिल जाता है जो कि आपके कपड़ों को जर्म फ्री और एंटी एलर्जन फ्री बनाता है। साथ ही साथ इसमें आपको स्टेनलेस स्टील ड्रम देखने को मिलता है। इसमें आपको एक्टिव फोम सिस्टम देखने को मिलता है जो कि आपके कपड़ों पे लगे हुए दाग को फोम से हटाने के लिए हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर स्पेशल फीचर की बात की जाए तो इसमें आपको एंटी टैंगल सिस्टम मिलता है, मतलब आपके कपड़े जो है डैमेज नहीं होंगे। 15 वॉश प्रोग्राम देखने को मिलते हैं और सॉफ्ट क्लोजिंग लिड देखने को मिलता है विद ऑटो रिस्टार्ट फीचर, जो कि आपको मैंने बताया था लाइट जाने के बाद जैसे लाइट आती है ये वॉशिंग मशीन अपना साइकिल वहीं से रिज्यूम कर देती है। बात करें नॉइस लेवल की तो वही वॉशिंग के टाइम पे 41 dB के नॉइस लेवल है और वही स्पिनिंग के टाइम पे इसके नॉइस लेवल 50 dB है। बात करें वारंटी की तो वही 2 ईयर्स की वारंटी आपको इसकी वॉशिंग मशीन पे देखने को मिलती है और 12 ईयर्स की वारंटी आपको मोटर पे देखने को मिलती है। बात करें प्राइस की दोस्तों तो 30,800 रुपए इस वॉशिंग मशीन का प्राइस है दोस्तों आज की डेट में। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। प्रोज की बात करूं तो जिसकी वॉश क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, लुक्स भी इसका काफी प्रीमियम है और वॉश क्वालिटी की जैसे रिव्यू है वो भी काफी अच्छे हैं नो डाउट। और कौन की बात करूं दोस्तों तो कहीं ना कहीं ये वॉशिंग मशीन थोड़ी सी मुझे ओवर प्राइस लगती है, क्योंकि इसका एक्चुअल प्राइस मुझे अगर 27,000 से 28,000 होता तो काफी अच्छा होता, क्योंकि अगर मैं 30,000 रुपए एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन पे खर्च करूंगा तो इससे अच्छा मैं एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन कंसीडर करना पसंद करूंगा। अगर आपके लिए कौन नहीं है तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वो 5 ऐसी टॉप लोड वॉशिंग मशीन है जो कि सबसे बेस्ट है इंडिया के अंदर और सबसे बेस्ट रहेगी आपके घर के लिए। अगर आपको बेटर वॉश क्वालिटी चाहिए, वाटर एफिशिएंसी चाहिए, पावर एफिशिएंसी चाहिए तो इन वॉशिंग मशीन्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है वॉशिंग मशीन से रिलेटेड या किसी भी अप्लायंस से रिलेटेड तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।